एसएसपी होरें दस्सेआ जे हिजबुल मुजाहिदीन दा कमांडर जुनैद सेहराई, जेड़ा अलगाववादी सियासी संगठन तहरीके हुरियत अशरफ सेहारी दे चेयरमैन दा पुत्तर ऐ, उन्नै आतंकवादिएं गी एह हमले करने दा जिम्मा सौंपेआ हा। सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमा यूएनडीपी कन्नै रलियै रिआसत भरै च टीकाकरण आह्ली इक जबरदस्त मुहिम चलाने आस्तै ई विन नांऽ दे सरिस्ते गी अमल च आह्नने बारै विचार करा'रदा ऐ। इस सरबंधै च सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमे दे माली कमिशनर अटल डुल्लू हुंदी प्रधानता च कल श्रीनगर च इक मीटिंग लग्गी। ध्यानजोग ऐ जे ई विन नांऽ दा एह् नेटवर्क नमिएं तकनीकें उप्पर आधारित इक ऐसा सरिस्ता ऐ जेहड़ा भारत च टीकाकरण आह्ले अभियान गी होर बेह्तर ते असरदार बना'रदा ऐ। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी यूएनडीपी दे सहयोग कन्नै सेहत ते परोआर कल्याण मंत्रालय आसेआ लागू कीते जा'रदे इस सरिस्ते दा मकसद भारत सरकार दे टीकाकरण सरबंधी कुल संचारी प्रोग्राम गी सहयोग देना ऐ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दी अमलावरी दा जायजा लैने लेई श्रम ते रोजगार मैह्कमे दे कमिशनर सैक्रेटरी सौरभ भगत होरें कल इक मीटिंग सद्दी। एह्दा मकसद बक्ख-बक्ख सरकारी मैह्कमें च मजूरें कर्मिएं च इस बारै जागरूकता पैदा करना बी ऐ। कमिशनर सैक्रेटरी होरें मैह्कमे गी जोर देइयै आखेआ जे ओह् अपने श्रमिकें ते मानदेह पर कम्म करने आह्लें गी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दे बारे च जागरूक बनान तां जे सब्बै योग्य असंगठित कर्मी अपने नां एह्दे तैह्त दर्ज करोआई सकन ते इस स्कीम दा फायदा हासल करी सकन ते 60 बरे दी उमरी तोड़ी पुज्जने दे बाद उनेंगी पेंशन दा लाह हासल होई सकै। मैह्कमा जंगलात नै रिआसता च शुरू कीते गेदे रुख बूह्टे लाने सरबंधी अभियान ग्रीन J&K दे तैह्त पिछले 15 दिनें दौरान जम्मू प्रांता दे केईं जिलें च बड्डे पैमाने पर रुख बूह्टे लाने दे अभियान शुरू कीते न। इस सिलसिले च जम्मू जिले च अर्बन फारेस्ट्री डिवीजन दे DFO होरें त्रिकुटा नगर वेलफेयर एसोसिएशन दे सहयोग कन्नै उत्थूं दे मिनी मार्केट इलाके च अभियान चलाया, जिस दौरान उत्थें चिनार ते होर दुए सजावटी बूह्टे लाए गे। इस्सै चाल्ली दा इक होर कार्यक्रम आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक च लोआया गेआ, जित्थें स्कूलै दे विद्यार्थिएं ते अध्यापकें मिलियै कोई 450 बूह्टे लाए। ग्रीन J&K अभियान तैह्त जम्मू यूनिवर्सिटी च बी बूह्टे पौधे लाने दी इक मुहिम चलाई गेई, जिस दौरान कोई 600 दे कोल काल बूह्टे लाए गे। तोआई रजौरी जिले च बी बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी च चिनार, हरड़, द्रैंक, शीशम, टाली ते अर्जुन दे कोई 200 बूह्टे लाए गे। मैह्कमा जंगलात रजौरी आसेआ बी बूह्टे पौधे लाने दी इक मुहिम चलाई गेई, जिस दौरान बक्ख-बक्ख इलाकें च कोई 2000 कोला मते बूह्टे लाए गे। तोआई सांबा जिले च इस सिलसिले च लोआए गेदे इक कार्यक्रम च 100 कोला मते बूह्टे लाए गे। रामबन जिले च बी ग्रीन J&K अभियान दे तैह्त मैह्कमा जंगलात आसेआ ITI बनिहाल च इक मुहिम चलाई गेई, जेह्दे च दियार दे कोई 150 बूह्टे पौधे लाए गे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर रेडियो कार्यक्रम मन की बात राएं औंदे ऐतवारें 28 जुलाई गी बड्डलै 11 बजे श्रोताएं कन्नै अपने विचार सांझे करङन। श्रोता अपने विचार ते सुझाव प्रधानमंत्री होरें गी MyGov ओपन फोरम पर भेजी सकदे न जां फ्ही टोल फ्री नंबर 1800117800 उप्पर अपना सनेहा अंग्रेजी जां हिंदी च रिकार्ड करोआई सकदे न। एह् खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू परा सुना'रदे ओ। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै जगमोहन शर्मा। सरकार ने 2018-19 आह्ले माली ब'रे लेई इनकम टैक्स दी रिटर्न भरने दी खीरी तरीक गी 31 जुलाई थमां बधाइयै 31 अगस्त कर दित्ता ऐ। इक सरकारी विज्ञप्ति च खजाना मंत्रालय ने आखेआ ऐ जे बक्ख-बक्ख कारणें करी इनकम टैक्स रिटर्न भरने च किश करदाताएं गी पेश आवा दिएं मुश्कलें, जिंदे च 2019-20 आह्ले असैसमेंट ब'रे लेई फार्म 16 जारी करने दी तरीक गी बधाया जाना शामल ऐ, गी दिक्खदे होई इस बारै फैसला लैता गेआ ऐ। करगिल विजय दिवस हर बरे 26 जुलाई गी ओकड़े शहीदें दे सम्मान च मनाया जंदा ऐ जिनें करगिल युद्ध दे दौरान देसै दे बन्ने दी राखी करदे होई अपनी जिंदू दा बलिदान दे दित्ता हा। करगिल युद्ध दी 20वीं बरेगंढ दे सिलसिले च केईं आयोजनें दी तैयारी कीती जा'रदी ऐ। आकाशवाणी जम्मू नै इस युद्ध च शामल दौं वरिष्ठ सैनिकें ते इस युद्ध च शहीद होए दे दलेर जवानें दे परिवार आह्लें कन्नै गल्ल कीती। मेरा नाम कंचन है, मैं श्री हवालदार रजिंदर सिंह की पत्नी हूँ। इनकी वीरगाथा जो है, करगिल से पहले ये ग्लेशियर में थे, तो ये इनकी ट्रांसफर हो गई थी दिल्ली में। फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि करगिल में युद्ध छिड़ गया है, तो इनको बुलाया गया। इन्होंने मुझे लेटर लिखा था कि आप बच्चों को लेकर तैयार रहना, मैं आपको दिल्ली में ले जाऊंगा। तो मैं इनके लेटर का इंतजार करती रही, तो इनका लेटर नहीं आया और लेटर के बदले ये पूरे 2 महीने के बाद इनकी डेड बॉडी आ गई। जो पाकिस्तान है, ये छोटी मोटी हरकतें शुरू से ही करता रहता था। इनके मन में ये थी, कहते थे एक बार युद्ध छिड़े तो हम मुंह तोड़ जवाब दें इनको। तो बस इनको मौका मिला और इन्होंने मुंह तोड़ के जवाब दिया। और मुझे अपनी ओर देखो तो थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन देश की ओर देखे तो हमें फख्र होता है कि आज सारा देश इनकी वीरगाथा गाता है।
सर मेरा नाम शमशेर सिंह है, मैं गांव ठुमके रहने वाला हूं, तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जो शहीद मेरे भाई थे वो बीएसएफ में ड्यूटी करते थे, नाम उनका लाभ सिंह था, बारामुल्ला तंगदार में ड्यूटी थी उनकी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी तब वो शहीद हो गए। बोलते रहते थे कि आर्मी में ड्यूटी करनी है मैंने, उसके बाद वो फौज में 1990 में भर्ती हुए थे और 1998 में शहीद हो गए। बमबारी हो रही थी, बड़ी गन से फायर कर रहे थे पाकिस्तान वाले, तीसरे दिन माम को पता लगा कि ऐसे हो गया। उसके बाद 3 दिन दो डेड बॉडी आते समय इधर लगे, खेलने कूदने में पढ़ने लिखने में अच्छा थे, सोर्स कोई नहीं था, उसके सिर से पूरा घर चल रहा था। बहुत फख्र है हमको सर, मेरे पूरे परिवार को, जी मेरी माता जी हैं, डैडी मेरे जो बीमार रहते हैं, तो हमको बहुत फख्र है सर कि मेरा भाई देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। करगिल विजय दिवस आले समारोहें दे किस्से दे तौरा पर फौज आसेआ धरमुंडाले सरकारी मिडल स्कूल दे बच्चें लई इक विशेष लैक्चर ते पेशकारी दा सरिस्ता कीता गया। इस मौके स्कूली बच्चें लई करगिल आले युद्ध बारे इक पेशकारी कीती गई तां जे ओ इस ध्याड़े दे महत्व गी खरी चाल्ली समझी सकन। कार्यक्रम दे खीरै च स्कूली बच्चें गी देशभक्ति आली इक फिल्म बी दस्सी गई, एह्दे अलावा उनेंगी मठेआईयां ते खाने पीने आला समेयान बी बंडेआ गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक जेहड़े श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड दे चेयरमैन बी हैन, उंदे निर्देशें पर यात्रा दे रस्ते पर ते यात्रा कैंपें च 21 कोला लेइयै 24 जुलाई तगर स्वच्छता ते कैंपें दी सफाई सरबंधी इक विशेष अभियान चलाया जा'रदा ऐ। बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अफसर उमंग नरूला होरें जानकारी दित्ती ऐ जे यात्रा आले समूलचे इलाके च पर्यावरण दी सुरक्षा ते संरक्षण आले अपने ध्येइयें गी ध्यानै च रखदे होई बोर्ड ने स्वच्छता ते साफ सफाई बनाए रखने दा यात्रा दे शुरू थमां गै चेचा ध्यान दित्ते दा ऐ। इक नमीं पहल दे तैह्त श्राइन बोर्ड ने वाड़ी च इक रिवर्स वेंडिंग मशीन भी लाई दी ऐ, जेड़ी ना छड़ा प्लास्टिक दियें बोतलें गी भन्नी त्रोड़ियै उंदा खलार घट करदी ऐ, सगुआं उसी मगरा रीसाइकल करियै होर समेयान तैयार करने च भी बरतेया जाई सकदा ऐ। एह्दे कन्नै पर्यावरण गी प्लास्टिक कन्नै होने आले प्रदूषण कोला भी बचाया जाई सकदा ऐ। एह्दे अलावा श्राइन बोर्ड ने बालतल आले आधार शिविर च बेस कैंप अस्पताल आले इलाके ते कन्नै दोमेल गेट कश दऊं गश्ती जैविक शौचालय बी लाए दे न, ते इनें दौनें गश्ती शौचालयें च चार चार कैबिन बनाए गेदे न जिंदा यात्रु इस्तेमाल करा करदे न। मुक्ख कार्यकारी अफसर होरें कैंप डायरैक्टरें गी निर्देश दित्ता जे यात्रा रस्ते च एह्दे बाद इक होर सफाई अभियान चलान तां जे इस गल्लै गी यकीनी बनाया जाई सकै जे रस्ते च कुदरै बी गंदगी नेईं फैलाई गेदी ते पर्यावरण गी कुसै चाल्ली दा कोई नुकसान नेईं पुज्जा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस दे मौके पर कल संझां प्रेस क्लब जम्मू च आकाशवाणी ब्रॉडकास्टर्स क्लब आसेआ इक विचार गोष्ठी दा सरिस्ता कीता गेआ, जेह्दे च आकाशवाणी थमां रिटायर होई चुके दे केई अधिकारिएं हिस्सा लैता, जिंदे च वी के संब्याल, उपेन्द्र अंबारदार, सुभाष शर्मा, रमेश मराठा, गिरजा शरत ते सुमन पाल प्रमुख हियां। इस मौके मिम्बरें देसै च प्रसारण टकोह्दा करियै रेडियो प्रसारण दे महत्व ते जम्मू कश्मीर च पिछले 72 बरें दौरान रेहदी एह्दी भूमिका पर लोह् पाई। गवर्नर हुंदे सलाहकार फारूक अहमद खान होर कल रियासता दे उनें नौजवान एथलीटें कन्नै मिले जिनें हाल च गै राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय सतह दे बक्ख बक्ख खेड मुकाबलें च हिस्सा लैता। सलाहकार होरें रियासता लेई नां कमाने लेई इनें खडारियें दी सराहना कीती ते उनेंगी रियासता दा नायक करार दित्ता। ते हुन अखीरै च खास खबरां परी परतियै। एनआईए नै नियंत्रण रेखा दे रोआर पार आले बपार सरबंधी मामले च रियासता च 6 थाहरें छापेमारी कीती ऐ। पुलसै हिजबुल मुजाहिदीन दे नमें भर्थी होए दे 3 आतंकवादिएं गी श्रीनगर दे बरजूला ते सौरा इलाकें थमां गिरफ्तार कीता ऐ, ते सरकार रियासत भरै च टीकाकरण आली इक जबरदस्त मुहिम चलाने आस्तै यूएनडीपी कन्नै सहमति पत्रै पर दस्तखत करोग। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।